दोस्तों आज हम आपको ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज पूरी तरह से गुमनाम है। लोग उन्हें पूरी तरह से भूल चुके हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो के जरिए उनका नाम जानने के बाद उन्हें पहचानने में कोई भूल नहीं करेंगे। दोस्तों अब तक कई लोगों को ये नहीं पता कि 60 और 70 के दशक में स्विम सूट में शर्मिला टैगोर, परवीन बॉबी या जीनत अमान ने इस तरह के बोल्ड आउटफिट्स पहनने शुरू किए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही इस ट्रेंड को पिछले 3 दशकों में प्रमुखता मिली है, लेकिन भारतीय सिनेमा में इसकी शुरुआत लगभग 90 साल पहले हुई थी। पर्दे पर सबसे पहले बिकनी पहनने वाली एक्ट्रेसेस में शर्मिला टैगोर का सबसे पहले नाम आता है, लेकिन उससे पहले भी एक रीजनल इंडस्ट्री की अदाकारा थी जिसने ये शुरुआत की थी। आज हम उसी बोल्ड अभिनेत्री के बारे में बात बता रहे हैं जो 90 के दशक में काम कर चुकी हैं। दोनों एक्ट्रेसेस की दादी माँ थी। शिरोडकर का जन्म 11 अक्टूबर 1916 को एक महाराष्ट्रियन परिवार में रतन पंडिकर के रूप में हुआ था। उन्होंने कम उम्र में ही भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया। 1936 में उन्होंने डॉक्टर शिरोडकर से शादी की, जिनसे उन्हें एक बेटा हुआ, जिन्होंने मराठी अभिनेत्री गंगूबाई से शादी की। और बॉलीवुड अभिनेत्रियां नम्रता शिरोडकर और शिल्पा शिरोडकर थी, जिन्होंने फिल्म उद्योग में भी काम किया। नम्रता को 1993 में मिस इंडिया का ताज पहनाया गया था और उन्होंने टॉलीवुड अभिनेता महेश बाबू से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। 1938 में आई ब्रह्मचारी नामक एक व्यंग्यपूर्ण मराठी फिल्म थी, जिसने अपनी लीड एक्ट्रेसेस को स्विम सूट में दर्शाकर लोगों को चौंका दिया था। फिल्म में मास्टर विनायक ने अभिनय किया था और इसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया था। इस तरह से 85 साल पहले ही मशहूर एक्ट्रेस की दादी ने ये इस तरह के कॉस्ट्यूम पहनने शुरू कर दिए थे। ब्रह्मचारी फिल्म में एक सीक्वेंस में अभिनेत्री मीनाक्षी शिरोडकर ने पहली बार पर्दे पर स्विम सूट पहनकर दर्शकों का ध्यान खींचा। ब्रह्मचारी एक व्यंग्य थी और इसका यमुना जली खेलू खेल गाना कुछ हद तक कॉमेडी और कुछ हद तक कामुक था। फिल्म फेयर की रिपोर्ट के मुताबिक काफी बोल्ड और अपने समय से आगे माने जाने वाले इस सीन को देखकर दर्शक हैरान रह गए थे। मीनाक्षी शिरोडकर का शिल्पा और नम्रता शिरोडकर से भी कनेक्शन है। साल 1916 में रतन पेडनेकर के रूप में जन्मी मीनाक्षी ने 19 साल की उम्र में डॉक्टर शिरोडकर से शादी की। उनकी शादी के बाद ही उन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। ब्रह्मचारी उनकी पहली फिल्म थी और इसी फिल्म के लिए उन्होंने अपना स्क्रीन नाम मीनाक्षी अपनाया। अभिनेत्री का एक बेटा था, जिसकी दोनों बेटियां खुद सफल अभिनेत्री बन गईं, जो शिल्पा शिरोडकर और नम्रता है। शिल्पा शिरोडकर एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने खुदा गवाह जैसी फिल्मों में काम किया था, जबकि उनकी बहन नम्रता वास्तव, पुकार, दिलविल, प्यार व्यार जैसी हिट फिल्मों में काम किया था। नम्रता मिस इंडिया फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं और फिलहाल वे इंडस्ट्री से दूर हैं। उनकी तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू से शादी हुई है, अब वे अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। हिंदी फिल्म में बिकनी पहनने वाली अभिनेत्री मीनाक्षी के बोल्ड ने उस दौर की अभिनेत्रियों के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी थी और नलिनी जयवंत 1950 की रिलीज संग्राम में हिंदी फिल्म में बिकनी पहनने वाली पहली अभिनेत्री बन गईं, जिसमें अशोक कुमार भी थे। 1960 के दशक में शर्मिला टैगोर ने एक इवनिंग में इन पैरिस और आमने सामने जैसी फिल्मों में बिकनी पहनकर इस वर्जना को तोड़ दिया कि टॉप एक्ट्रेसेस इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती। लेकिन अफसोस, 4 जून 1997 को शिरोडकर का 80 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप हिंदी सिनेमा के इन महान कलाकारों के बारे में जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।